ललिताज किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे मशीन के जैसी झागदार कैपेचिनो कॉफी। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे। तो अब इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच कॉफी, 4 चम्मच चीनी डाल देंगे। और अब इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच गर्म पानी। यहाँ पे हमने इसे बीट करने के लिए एक फोक ले लिए हैं। आप चाहे तो इसे हैंड मिक्सर से भी चला सकते हैं। अब इसे हम इस तरह से चलाएंगे और कॉफी को हम बीट कर लेंगे। हम कॉफी को तब तक बीट करेंगे जब तक ये क्रीमी नहीं हो जाए। देखिए इसका कलर चेंज होने लगा है, देखिए ये क्रीमी होने लगा है। अभी इसे हम और बीट कर लेंगे, ये पूरी तरह से क्रीमी नहीं हुआ है। तो देखिए हमने कॉफी को अच्छी तरह से बीट कर लिए हैं। देखिए कितने क्रीमी बने हैं, देख सकते हैं। तो अब इसे हम अभी साइड में रख देंगे। तो अब एक सॉस पैन में हमने 1 कप दूध ले लिए हैं। अब फ्लेम को हम ऑन कर लेंगे और दूध में हम एक उबाल आने देंगे। तो दूध में उबाल आ चुका है। अब एक फोक की मदद से हम इसका झाग बना लेंगे। अब गैस को हम बंद कर देंगे। अब हम एक कॉफी मग ले लेंगे और अब इसमें से हम 1 चम्मच कॉफी डाल देंगे इसमें। और अब इसमें हम थोड़ा सा दूध डाल देंगे। अब इसे हम मिला लेंगे। अब इसे हम ऊपर से दूध डालेंगे ताकि इसका झाग बने। और अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा कॉफी और डाल देंगे और अब इसे हम इस तरह से मिला लेंगे। तो देखिए कितनी अच्छे से झाग बना है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा कॉफी पाउडर डाल देंगे। तो कैपेचिनो कॉफी बनके तैयार है। तो इस रेसिपी को आप भी अपने घर पे बना के जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।